3 के जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है जो वो समझाऊंगी, ठीक है। उसमें हमें उन्होंने एक्स की कीमत दी हुई है और एक्स प्लस वन बटा एक्स की कीमत मालूम करनी है और एक्स टू की कीमत हमने जो है वो मालूम करनी है, ठीक है। कीमत हमें किसकी दी है, उन्होंने कीमत हमें दी है एक्स की। तो एक्स की उन्होंने हमको कीमत क्या दी हुई है, वो है जी जजर 5 प्लस 2, जजर 5 प्लस 2। अब हमने जो है वो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, हमने एक्स जमा 1/x मालूम करना है, ठीक है। हमारे पास एक्स की कीमत तो है, एक्स की कीमत तो हमारे पास है, लेकिन 1/x की कीमत हमारे पास नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वो कैसे निकालते हैं। वो ऐसे निकालते हैं कि निकालने को वो निकाल भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आप लोग वो निकालने बैठ के तो आप लोगों को ज़्यादा देर लगेगी, इसलिए मैं शॉर्टकट आपको बता देती हूँ। वो ये है कि एक्स की कीमत है जजर 5 प्लस 2 और 1/x की कीमत पता क्या होगी, वो होगी जजर 5 माइनस 2। अगर इधर जमा है तो -2 आ जाएगा। समझ आ गई? ओके, समझ आ गई। अब देखो इसमें, इस सवाल में उन्होंने जो है वो ये वाला सवाल, इस सवाल में देखिए उन्होंने दी हुई है एक्स की कीमत जजर 3 माइनस जजर 2, तो इसमें माइनस की दी है, ठीक है। तो इसमें 1/x की कीमत क्या होगी बताऊँ आपको, जजर 3 जमा जजर 2। अब समझ आ गई कि आपने जो भी इधर अलामत होगी उसका उलट करने से 1/x की कीमत निकल आएगी, ठीक है। एक्स की जो कीमत होगी ना, एक्स की ही जो कीमत होगी उसमें जो अलामत होगी ना उसका उलट करने से, जमा है यहाँ पर हम माइनस जमा है तो लगाएं माइनस लगाने से उसकी कीमत एक्स उसकी 1/x की कीमत निकल आएगी। अब हमारे पास जो है ये इसका शॉर्टकट है, एक्स जमा 1/x। अब एक्स की कीमत हमारे पास क्या है जी, 5 जमा 2। अब दरमियान में क्या है, जमा है। अब 1/x की मैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया ब्रैकेटों में कीमतें रखनी है, ठीक है, बाद में ब्रैकेटों से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। 1/x की मैंने आपको बताया था ना क्या आएगी, ठीक है ना, जो इधर लामत होगी उसका उलट ही जो है वो 1/x की कीमत आएगी। समझ आ गई? अब हमने ब्रैकेटों से बाहर निकालना है, क्या करना है, ब्रैकेटों से बाहर निकालना है। तो 5 का 5 आ जाएगा, जमा 2 का 2 आ जाएगा, फिर जमा और 5 जमा नफी नफी 2। अब हमने देखना जो करते हैं वो कट जाने, जमा का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो गया। अब ये 5 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है, तो हमने लिखना 2 5 का जजर 2 दफ़ा है। समझ आ गई? अब हमारी एक्स जमा 1/x की कीमत निकल आई, ये वाली एक्स जमा 1/x की कीमत ये वाली निकल आई। लेकिन अब हमें, अभी हमने एक और कीमत मालूम करनी है और वो है x2 प्लस 1/x2। अब वो हमें एक्स का हम x2 कैसे बनाएंगे, जब हम दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ क्या लेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, ठीक है। अब एक्स जमा 1/x इसके भी मुरब्बा लिया, मुरब्बा कहते हैं 2 को, ठीक है। इसकी भी सारी ब्रैकेट लगा के सारे के ऊपर मुरब्बा ले लिया, और 2 और 5 इसके भी हमने क्या ले लिया, मुरब्बा ले लिया। अब बात ये है कि ये जो ब्रैकेट ब्रैकेट के बाहर पावर है ना, इसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रकमें हैं ना, 2 उन सब का है, एक्स का भी 2 है, 1 का भी 2 है, और एक्स ये बट्टे के नीचे जो 2 है एक्स है ना, इसका भी 2 है। समझ आ गई? जब जो ब्रैकेट के अंदर रकमें होती हैं ना
और उन सबकी ये पावर होती है। ये पावर होती जो है किसी एक रकम की नहीं होती, बल्कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रकमें होती हैं सबकी ये पावर है। होती है। ठीक है, अब हमने फर्ज कर लेना है इसको ए और इसको बी, ये वाला जो फार्मूला आप लोगों ने याद किया था ए प्लस बी का मुरब्बा, ये मुरब्बा वाला इसको ए फर्ज कर लेना, इसको बी, और ये मुरब्बा ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आता है जी ए माइनस ए टू प्लस टू ए बी टू ए बी प्लस प्लस बी के बी टू टू, ये आता है इसके बराबर। तो हमारा जो है ये ए प्लस बी का मुरब्बा ये बन गया। जी हमारा उसने बोला ए टू लगाओ, ए हमारा ये है, जी तो हमने जो है ए और इसके ऊपर टू लगा देना। बाद में टू ए हमारा कौन सा एक्स एक्स है, बी हमारा कौन सा, फिर उसने कहा बिल्कुल टू ए भी लगाओ, 1/x। बाद में प्लस उसने कहा प्लस लगा दिया, ए बाद में उसने बी टू कहा तो बी बटा हमारा ए ये है। बटा एक्स की टू समझ आ गई? जी अब ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान जरब है, जिधर जरब हो वो कट जाते हैं, अगर जमा होता फिर नहीं कटने थे। अब ये मैंने जैसा कि आपको बताया था ना पावर, ये दो की भी दो है और पांच की भी दो, पांच के जी साथ जो दो वो जो तो जजर कट हाँ गया, जी लेकिन दो की जो पावर दो है, दो दो बार चार आ चार जाएगा, और 4 5 20, जी 20 आ जाएगा इधर। समझ आ गई कैसे आया बिल्कुल 20 ये? अब इधर हमारे पास एक्स टू बचा और प्लस टू बचा, और इसके बाद हमारे पास ये बटा एक एक बटा बटा एक्स एक्स ही टू बची है। समझ आ गई? और इधर हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। बीस अब हमने जो है वो अंग्रेजी वाले जो है ना उनको मुतगैर बोलते हैं हम मुतगैर, क्या बोलते हैं, तो वो मुतगैर इकट्ठे एक जगह कर लेने हैं और गिनती वाले एक जगह कर लेने हैं। अब इधर 20, ये अब बराबर, ये दो बराबर से पहले था, अब ये दो किधर आया, बराबर के बाद आया बाद है, है रकम बदल गई ना, उसकी जगह बदल गई ना, जी इसलिए इधर जमा का फिर था और इधर इधर माइनस का, माइनस क्योंकि करा हुआ पहले ये था बराबर के पहले था जमा का अब और अब बराबर बराबर के के बाद है, बाद माइनस 20 में से 2 गए 18 आ हाँ जाएगा। समझ लगे? अब इस तरह हमने उनके कहने के मुताबिक उनने जो दोनों की कीमतें कही थी, ये मालूम वाली भी, करी ये वो भी मालूम कर दी और ये भी मालूम कर दी, कर इस दी तरह हमारा क्वेश्चन हल और हुआ। सारे सवाल